स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। मेरा नाम है नीरज और जब मैं रास्ते में जैसे ही खावा फोर्ट की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा इस झील को। राजस्थान के इस इस जंगल में कहीं आप इस तरह की झील आपको दिखाई दे और आप वहाँ पे रुकना ना चाहें ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि जो ये झील आपको जो दिखाई दे रही है, जो झील या तालाब जो भी आपको ये दिखाई दे रहा है, ये सड़क से काफ़ी दूरी पर पड़ती है, लेकिन जब मैं ड्राइव करके जा रहा था तो मैंने देखा काफ़ी दूर से इसकी झिलमिलाहट जो है नज़र आ जाती है और आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो वहाँ जाने के लिए। ये झील अपने आप में कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है, ये किसी समंदर से कम दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अभी पहुंच चुका हूं खावा फोर्ट और मैं अभी जो है खावा फोर्ट के अंदर हूं, एक कोर्टयार्ड में खड़ा हुआ। आप जो है देख पा रहे होंगे ये खावा फोर्ट है। यहां राजस्थान सरकार ने इसको वापस से जो है पुनर्निर्माण करवाया था। ये खावा फोर्ट पहले पूरी तरह से जो है ध्वस्त हो चुका था और इसमें संग्रहालय जो है उन्होंने बनवाया था, जिसको दो हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया था, जिसमें एक थे यहाँ के भूगर्भ यानी कि भू से रिलेटेड चीज़ें जिनको जो है उन्होंने एक संग्रहालय में तब्दील किया था, और दूसरी तरफ थे पालीवाल ब्राह्मणों से जुड़ी संस्कृति की कुछ चीज़ें। इसको जो है दो हिस्सों में बांट रखा था, एक आप देख सकते हैं यहाँ से उस तरफ और एक जहाँ जिस एरिया में हम लोग खड़े हैं। तो इस पत्थर में देखिए आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह का सीमेंट या कोई चूना कहीं दिखाई नहीं देता है, सिर्फ पत्थर के ऊपर पत्थर रख के ये जो है फोर्ट को वापस से रेडी किया गया है, जो एक अपने आप में एक खास बात है। ऊपर जाने का जो है कुछ मुझे फ़ायदा दिखता नहीं है, क्योंकि ऊपर कोई भी जो है आपको छत दिखाई नहीं देती है। जो इसकी जो लिमिटेशन है वो यहीं तक है, सेकंड फ्लोर तक। और जैसे एक हर एक फोर्ट की जो है खासियत होती है कि जब भी आप एक फोर्ट डिज़ाइन करते हैं या बनाते हैं तो आप इस तरह का झरोखे का जो है यूज हर फोर्ट में किया जाता है। तो इसकी मुझे जो है सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि आप अभी मैं जैसे है इस दीवार के पीछे खड़ा हूँ या यहाँ खड़ा हूँ, बिल्कुल भी हवा मेरी तरफ नहीं आ रही, और मैं जैसे ही इस जो झरोखे के सामने मूव करता हूँ तो अब आप देख पा रहे होंगे कि जो है किस तरह से हवा एकदम ठंडी ठंडी हवा जो है अंदर आ रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते, यहाँ पे टूरिस्ट भी काफ़ी आते हैं। ये फोर्ट अपने आप में जो है लोगों को आकर्षित करता है। तो मैं आपको जो है पूरा फोर्ट दिखाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। आप अब यहाँ से देख सकते हैं ये जो एंट्रेंस था जहाँ से हमने एंटर किया था, ये जो वो एरिया दिखाई पड़ता है यहाँ पे जो है इसका मेन गेट है। यहाँ से आपको जो टिकट जो लेनी होती है और ये जो है एकदम खुले मैदान के अंदर ये जो फोर्ट आपको दिखाई पड़ता है। मैं आपको अगर हकीकत बताऊं तो मुझे यहाँ से बिल्कुल भी जाने की इच्छा नहीं है। जिसको जो है बनाया गया है इसकी हाइट भी काफ़ी कम दिखाई देती है और इसकी जो छतें हैं वो एकदम लकड़ी से बनाई हुई हैं। आप देख सकते हैं इन लकड़ियों को जो है एक समय में एक टाइम पीरियड पे चेंज कर दिया जाता है ताकि ये छत गिरे नहीं। और बाकी आप देख रहे होंगे कि इस के अंदर ये छोटे छोटे जो रोशनदान हैं वो कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ से जो बाहर जो विंडो है ये देखिए आप, ये देखिए है ना खूबसूरत। चलो आगे चलते हैं और कुछ आपको और दिखाने की कोशिश करते हैं।
से आप अगर देखते हो कि यहाँ से जो पूरा कोर्टयार्ड आपको नज़र आता है कुछ इस तरह का, और ये आप यहाँ से इसका पूरा नज़ारा देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये जो है कुछ ऐसा नज़र आता है। और इधर से आप देखते हैं कि आपको पूरा के पूरा गांव नज़र आता है। ये जो आप गांव देख रहे हैं, ये पूरा विलेज है खाबा। इस देख सकते हैं आप, पूरा के पूरा गांव जो है गोल्डन जो है पत्थर से बना हुआ है, और कितना जो है सूरज की किरणों में ये कितना प्यारा लग रहा है। गांव से महज 200 मीटर की दूरी पे बना हुआ ये फोर्ट इस गांव की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। जैसा आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि जो कुलधरा गांव था वो पूरा शापित गांव था। एक ही रात में जो है पूरा के पूरा गांव खाली हो गया था। तो मैंने जैसे आपको मेरी पिछली वीडियो में बताया था कि जो 80 जो गांव थे वो एक तरह से एक ही रात में पूरे खाली हो गए थे, तो उसमें से ये खाबा गांव भी उनमें से एक है। अभी जो है इस जगह पे जो आप सामने देख रहे हैं, इस जगह पे कोई भी रहता नहीं है, क्योंकि इस गांव को जब पालीवाल ब्राह्मण छोड़ के गए थे तो श्राप दे के गए थे कि इस ये गांव कभी दोबारा आबाद नहीं हो पाएगा। तो मैंने आपको जो है दो गांव बताए थे, पहला था कुलधरा और ये दूसरा है खाबा, जो कि आज तक दोबारा से बस नहीं पाए हैं, पूरी तरह से वीरान है, कोई भी यहाँ पे रहता नहीं है। हालांकि मंदिर आप सामने देख सकते हैं, ये आपको जो मंदिर दिखाई दे रहा होगा, ये सेम मंदिर आपको एक कुलधरा में भी था और एक मंदिर यहाँ पे भी है। फिर भी यहाँ पे लोग जो है आज भी नहीं रहते हैं, लोगों ने एक साइड में अलग से एक गांव बसा लिया है, वहाँ पे वो लोग रहते हैं अभी। तो अभी हम लोग वापस आते हैं इस खाबा फोर्ट की तरफ। तो अभी हम खाबा फोर्ट के अंदर हैं, आप देख रहे हैं ये जो आपको जैसे मैंने अभी दिखाया था, ये जो इसका जो मेन कोर्टयार्ड था आप देख पा रहे होंगे। और अब ये जो है यहाँ से कुछ इस तरह का जो है व्यू आपको दिखाई देता है। आप सामने देखिए, आपको गांव दिखाई देगा और गांव के उस पार आपको जो है एक झील दिखाई दे रही होगी। वो जो झील आपको दिखाई दे रही है, आप मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, कितनी प्यारी वो झील लग रही है इन सूरज की किरणों में। देखिए प्यारा सा ये गांव और गांव के पास में भरा हुआ ये प्यारा सा झील, और उस झील के बीचों बीच आपको एक दो जो है पेड़ भी दिखाई दे रहे होंगे। कितना खूबसूरत ये नज़ारा है इस गांव का। तो यहां से भी आप अगर गांव को देखेंगे तो आपको यहां से भी वो गांव दिखाई देता है। तो ये जो गांव था वो स्टार्ट होता है यहां से, और यहां से आप देख रहे होंगे कि यहां से आके और वहां तक जो है ये गांव रहता है, और उसके बाद में लोगों ने अपना अपना घर जो है इस गांव से हटके उधर नए घर बनाए हैं, तो लोग वहां पे रहते हैं अभी फ़िलहाल। लेकिन ये गांव पूरी तरह से खाली है और इसको पूरी तरह से शापित माना जाता है। शाम के टाइम में यहाँ पे एंट्री करना भी जो है अलाउड नहीं है, यहाँ पे आप एंटर नहीं कर सकते हैं। और जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में बता रहा था कि राजस्थान के अंदर जो पत्थर के ऊपर जो कलाकारी जो की जाती है वो किस लेवल की होती है, आप कुछ उसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं। आप देखिए ये जो पत्थर है जिसकी थिकनेस कम से कम नहीं तो मुझे प्रतीत होती है इसकी थिकनेस जो है 4 इंची से तो बिल्कुल भी कम नहीं होगी, 4 या 5 इंची के बराबर जो है लगभग इसकी थिकनेस है। और उसके अंदर काम किया गया है, एक व्हील बनाया है जिसके अंदर से कितनी खूबसूरत डिजाइन है, और उसके अंदर में है जो ये इस तरह से बनाया हुआ है। आज के समय पे ये बनाना मतलब बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, और उस टाइम पे ये जो बनाया जाता था। यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे एक मंदिर है, जो एक मंदिर बनाया हुआ है, और इधर जाने की आई थिंक दरवाज़ा यहाँ पे बंद है, इधर जाना शायद अलाउड नहीं है। तो आप ये देख रहे हैं कि इधर जो है कुछ घास फूस लगी हुई है, तो शायद इधर आना बंद है। उधर भी ताला लगा हुआ है, इधर भी ताला लगा हुआ है, तो इधर जा नहीं सकते हैं। तो दोस्तों ये था खाबा फोर्ट, जैसे कि आपने पूरा वीडियो में देखा होगा, पूरा एक्सप्लोर मैंने आपको करा दिया है।
तो ये था खावा फोर्ट जो छोटा सा है एक प्यारे से गांव के पास में जो बनाया हुआ है। मैं आपको फिर से बता दूं ये फोर्ट जो है पहले पूरा जो है ख़त्म हो गया था, इसको वापस से यहाँ की गवर्नमेंट ने जो है पुनर् इसका निर्माण करवाया था, तो ये इतना अच्छा उस लिए दिखाई दे रहा है। बाकी अब हम चलते हैं गांव जो है नीचे खावा उसकी तरफ। दोस्तों अब आप जो देख रहे हैं, मैं हूं अभी गांव खावा के अंदर जो आज से 200 साल पहले जो वीरान हुआ था, मैं अब उस गांव के अंदर हूं और उस गांव की जो है स्थिति कुछ इस तरीके की है। अब आप वीडियो में देख पा रहे होंगे रास्ता जो है टोटली बंद है, इसमें गाड़ी का या टू व्हीलर का आने का कोई प्रावधान है ही नहीं और घरों की जो स्थिति है कुछ इस तरह की है। आप यानी कि कुछ ढांचा ही ढांचा नज़र आ रहा है, बाकी आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि एक मंदिर ज़रूर है सामने जो कुछ एक अच्छी कंडीशन में दिखाई दे रहा है, तो हम उधर जाके अभी देखते हैं कि वो उसका क्या अभी कंडीशन है या उसको भी इन्होंने जो है वापस से बनाया है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो जो इसके जो डिज़ाइन है वो सेम तरीके की है जैसे आपने पिछली वीडियो कुलधरा में देखा था। कुलधरा में भी मंदिर कुछ इसी तरह से डिजाइन किया गया था, इसी तरह से उसका एंट्रेंस था और ऐसा ही कुछ वो नज़र आता था। तो अब हम देखते हैं कि इसमें भी कुछ कोई मंदिर था, ये मंदिर चालू है या बंद है। तो यहाँ से जो है सीढ़ियाँ दी हुई हैं इसमें जाने के लिए, मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँ तो इस मंदिर के अंदर भी कोई मूर्ति नहीं है, यानी कि यहाँ पे भी ये मंदिर भी आज पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे इसमें कोई भी जो है मूर्ति दिखाई नहीं देती है और इसकी जो कंडीशन है वो इस हालत में है, यानी कि इसकी कोई देख रेख या फिर इसमें कोई रख रखाव का काम भी जो है नहीं किया जाता है। हालांकि बहुत मजबूत ये मंदिर बना हुआ है, आप यहाँ से जो है देख पा रहे होंगे तो देख सकते हैं आगे भी दो छतरियाँ बनी हुई हैं, एक यहाँ पे बनी हुई है और एक पीछे बनी हुई है। बस यही इस गांव का नज़ारा है और जो फोर्ट है वो यहाँ से ना कुछ इस तरह का दिखाई देता है। आप ज़रा देखिए इस फोर्ट को, ये कुछ इस तरह का जो फोर्ट है यहाँ से दिखाई देता है। तो दोस्तों ये थी गांव खाबा की कहानी और कुलधरा की कहानी, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। दोनों की कहानी एक ही कहानी से रिलेटेड है और दोनों ही एक दोनों की संस्कृति, दोनों की जो कहानी है वो ब्राह्मणों से, जो पालीवाल ब्राह्मणों से उनसे मिलती जुलती है। तो ये था गांव खाबा जो अभी पूरी तरह से वीरान है। इस गांव में भी अभी किसी के रहने के प्रमाण नहीं मिलते हैं और जो है पूरी तरह से शमशान जी का गाँव जो है पड़ा हुआ है। सामने इस गांव के जस्ट थोड़ा सा आगे देखें तो फोर्ट आपको दिखाई देता है। यकीन मानिए आपको वीडियो में कैसा दिखाई दे रहा है उसका तो मैं अभी कुछ बता नहीं सकता, लेकिन अगर मैं इस फोर्ट की बात करूं यहाँ से तो इस फोर्ट का व्यू इतना शानदार दिखाई दे रहा है ना। फोर्ट के जस्ट साइड में आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, फोर्ट के जस्ट साइड में जो है आप सन देख सकते हैं, सूरज जो है कि अभी सूर्यास्त का जो समय हो चुका है, अभी टाइम हो रहा है साढ़े छः सात के करीब और जो है अभी सूर्य अस्त होने की कगार पे है। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं करता हूँ यहीं पे समाप्त।